चर्चा में केवा को लेकर कार्यक्रम को लेकर हम अमरपुर विधानसभा के सुल्तानपुर पंचायत के बलुआ यादव टोला पंचायत में हैं। और देखा जाए तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं अधिकतर दूध के कारोबारी हैं, दूध के कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं और सारे किसान वर्ग के लोग हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से ये दूध के कारोबार से लोग जुड़े हुए हैं। और क्षेत्र में जो है देख सकते हैं कि यहाँ के वर्तमान विधायक जो हैं वो जदयू के जनार्दन मांझी ही हैं और उनकी जो कार्य रही है वो उनकी कार्यशैली से यहाँ के बलुआ यादव टोला के लोग कितने खुश हैं या फिर जो है वो वर्तमान के विधायक से उनकी क्या बातें हैं, क्या समस्याएं रही हैं। और ख़ासकर इस बार जो हमारा खास मोटो है कि जमीनी स्तर से अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में जमीनी स्तर पर चर्चा में केवा यानी चर्चा में कौन है उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। खासकर फिर देख सकते हैं हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बलुआ टोला यादव टोला के लोग हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। बच्चे लोग भी इधर बैठे हुए हैं, ठीक है आप लोग भी बैठिए। क्षेत्र में जो है आपके विधायक तो जनार्दन मांझी हैं, क्या उनकी जो कार्य रही है वो अभी तक जो काम किए हैं 5 साल में खुश हैं आप लोग उनके काम से? कभी आवे नहीं किया यहाँ, खूब कभी यहाँ का आवे नहीं किया, किसी को चिंता भी नहीं, कोई जवाब यहाँ जीत के बाद से नहीं है, कोई कहीं पहुँचवे नहीं किया अभी तक यहाँ। तो क्या सोचें इस बार बदलाव होगा? बदलाव से जनता के पर भी होगा विचार। जनता देखिए, जनता आप ही हैं, जनता आप सब ही हैं, तो आप तो कुछ सोचे होंगे क्या बदले चाहे उसको बदला जाए। तो बदला जाए तो सवाल उठता है कि जब बदला जाए तो कौन बदले में कौन आएगा? कोई भी आगे करेगा यहाँ पर नहीं, कोई तो आएगा ये चीज़ है, लेकिन कौन आखिर है? नहीं नाला कटा रहे, नहीं कुछ कटा रहे, देखिए न पानी बढ़ता है, किस किसी पर बाहर बाहर निकल जाता है। किसके बारे में सोचे हैं कि कौन से प्रत्याशी को इस बार मौका दीजिएगा? जो जीतेगा वो कुछ करेंगे। अच्छा, तो जीतने वाले को दिया जाएगा, और भी लोग हैं क्या सर? समस्याएं तो क्या क्या, पहले क्षेत्र की समस्याएं, गांव की समस्याएं बता दीजिए। समस्या तो आपको सब बता ही दिया, और बाकी जो है विधायक कभी ध्यान नहीं है देता है, यहाँ नहीं देता है, और कभी आईबो नहीं किया है, इसलिए हम लोग तो चाहते हैं कि कोई दूसरा क्षेत्र में आपके जो समाज है, गांव है, टोला में सक्रिय कौन से नेता हैं, कौन आते जाते हैं यहाँ? तो अभी जो है ना तत्काल जो है दौड़ कर रहा है मृणाल शेखर, इसी को हम लोग जो है चाह रहे हैं मृणाल जी को, किसी को वोट देंगे मृणाल जी। मृणाल शेखर पिछले भी यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े थे, हारे थे, और इस बार उनकी चर्चा हो रही है। हाँ, मृणाल शेखर को क्यों पसंद कर रहे हैं? इसलिए ये देखना चाहते हैं कि जो है क्षेत्रीय नेता है और हमारा काम जो है अच्छा से करता है। वो तो अभी तक जो है ना कह रहा है कि हम बहुत अच्छा से आप लोगों को निभाएंगे, काम करेंगे जो है ना क्षेत्र का जो उन्नति करेंगे। अब उसको जो है वोट दे करके बनाएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि जो है क्या करता है, इसीलिए हम लोग बदलना चाहते हैं। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी थोड़ी बातें हो जाए। क्या सर बदलाव होगा? देखिए बदलाव जब ये ध्यान नहीं देता है, बार बार जो कि इतना दिन हो गया उसको जीतने से, आज तक दर्शन तक नहीं दिया है, इस गांव का क्या स्थिति है वो भी आके नहीं कभी देखा है। रोड का गंजन हो रहा है, जो कि हम लोग बछागंज हो के सुल्तानपुर पंचायत है, आज पंचायत में जाते हैं मुखिया सरपंच से मिलने जुलने के लिए तो बछागंज होके चलते हैं। रोड का वो गंजन है कि इस इलाके में आप लोग घूमते होंगे तो रोड का ऐसा कहीं दुर्घटना नहीं हुआ। तो बदलाव में इस बार क्या सोचे हैं? बदलाव में तो देखिए अभी वो जैसे बोला ना वही बात मिल रहा है, एक बार नया को बदल के देखते हैं जैसा उसका विचार। नया में कौन? वही शेखर जी। जी शेखर जी, देखिए आपके क्षेत्र में हम लगभग 2 दिन से हैं, बहुत सारे गांव गए, बहुत सारे पंचायत में जी, कहीं ना कहीं चर्चा एक आती ही है मृणाल शेखर की, लेकिन उनकी चर्चा क्यों आ रही है? चर्चा आ रहा है उसका विचार विचार देख रहे हैं कि नए लाइक है, बोली विचार से पकड़ते हैं कि नए काम करेगा, यानी उम्मीद। उनसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ बोल रहे थे आप? पकड़ना नहीं, हमारा कहना यही है कि हम उनको देखेंगे जब वो हार भी गया थे वो, लेकिन वो कभी जो है कि अस्थि नहीं रहा है, वो गाँव में गाँव घूम रहा है। पिछली बार वो हारे थे, पिछला बार हारे थे, लेकिन वो बोला हम हारे नहीं है, हमारा जो दिल हरा नहीं है बोल रहा था, लेकिन हम लोग भी सुने उनको कि सही में देखते हैं वो घूम रहा है, देख रहा है कहाँ क्या है नहीं है, वो सब दिखाई उनको दे रहा है। चर्चा उसका, हाँ चर्चा शेखर का है। चलिए और भी लोग हैं, और खासकर क्या बदलाव कीजिएगा या फिर जो है
हाँ हम लोग तो एकदम जरूर सोचते हैं, इतना जब गंजन में हम लोग पड़े हुए हैं, इतना बहुत दिक्कत जाने आने में हम लोगों को हो रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि जरूर आपकी बदलाव करेंगे। बदलाव करेंगे हाँ। चलिए तो बदलाव में चर्चा किसकी है? बस यही इसी का है, मीनार शेखर का। हम लोग सोचे हैं कि बढ़िया नेता झलकता है, बराबर ही गाँव हर भी गया है लेकिन फिर भी देखभाल करता है, यानी हारने के बाद भी बने। हाँ बने हुआ है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसी सोचे हैं कि इतना जब 5 साल से वो जीता है, 2 बरस से कर रहा है, 2 बार इलेक्शन जीत जीता, लेकिन एको बार घूमने भी नहीं आया, इतना कदम हम लोग फिर रहे हैं, बहुत दिक्कत होता है सुल्तानपुर जाने में। देखिए एक बात सामने आती है कि मृणाल शेखर की तो चलिए बात हो जाती है, आप लोग मान रहे हैं या फिर उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर मृणाल शेखर को टिकट नहीं मिलता है तब? तब देख लो जाते तो जिसको टिकट मिलेगा तो उसको देखेंगे फिर, मतलब समय आने पे वो साथ सोचा जाएगा, फिर सोचा जाएगा समय आने पे। चलिए अगर वो टिकट लाने में सफल होते हैं तो उनको ही? हाँ उनको ही देंगे। चलिए काफी बुजुर्ग हैं बाबा, हैं काफी अनुभव रहा होगा कि बहुत सारे चुनाव आप देखे होंगे, उम्र कितनी हो रही है? नाम क्या है आपका? शंकर यादव। कितनी उम्र कितनी हो रही है? 60। बहुत सारे चुनाव देखे होंगे आप, और इस बार जो है आपके विधायक जो वर्तमान में हैं, मतलब अभी जो विधायक हैं, उनका काम से आप खुश हैं? नाम से भी नहीं जानते हैं उसको, नाम से भी नहीं जानते हैं, जबकि 5 साल हो गए आप? 5 साल हो गए, नाम से भी नहीं जानते हैं। क्षेत्र में आना जाना? आना जाना आई बेन करते हैं तो कैसे जानेंगे? क्या सोचे हैं बदलाव? बदलाव तो निश्चित होना चाहिए। बदलाव में चर्चा किसकी है, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम भी है कि चर्चाओं में केवा उस समय दिखा जाएगा जैसे समय देखा होगा। हाँ वर्तमान में सोचे नहीं लेकिन बदलाव सोचे? हाँ बदलाव सोचे। आपके गांव में खासकर जितने भी लोगों से बात किए तो एक जो है मृणाल शेखर की लोग? हाँ हाँ तो वही रहा वही। हाँ सब दे देगा तो हम भी दे देंगे उसी को, यानी कि बयार जेब बहते हैं। खासकर देखा जाए तो सुल्तानपुर पंचायत की जो जनता है उनमें बदलाव की जो है साफ बात आ रही है, लोग बदलाव की बात कर रहे हैं कि वर्तमान के जो विधायक उनसे खुश नहीं है, ये लोग बदलाव की बात करते हैं। क्या सोचे हैं सर ये बदलाव? मृणाल शेखर को जिताना है। कहे क्यों जिताना है? क्योंकि वो बढ़िया बार बार आते रहता है। देखिए बार बार आने का मतलब ये होता है कि हो सकता है मृणाल शेखर जीत के बाद नहीं आए? नहीं नहीं वो हारने के जब बाद आता है तो वो जीतने के बाद जरूर आएगा। इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? क्यों वो आते जाते रहता है, मिलते रहता है। मिले हैं कभी? 10 बार मिल चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ गुड्डू। नहीं मेरा चपरी घर हुआ। चपरी का? हाँ। खासकर देखा जाए तो बलुआ जो है यादव टोला में लोग बदलाव चाह रहे हैं, वर्तमान के जो विधायक हैं उनकी जो कार्यशैली है उनसे वो जो है संतुष्ट नहीं है और बात बदलाव की कर रहे हैं। और यहाँ पर खासकर देखा जाए सुल्तानपुर पंचायत के बलुआ यादव टोला से कि चर्चा में पूरी रूप से अगर देखा जाए तो चर्चा में केवा में जो है चर्चा में यहाँ से मृणाल शेखर की बात आ रही है। बहरहाल हम फिर अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के किसी दूसरे पंचायत के किसी गांव में जनता के बीच होंगे, और मेरे पहले की तरह हमेशा की तरह जो मेरा कार्यक्रम है चर्चा में केवा, तो चर्चा में केवा का कार्यक्रम हम बिल्कुल जमीनी स्तर की बातें हम आपको दिखाते हैं, जमीन से जुड़े जो लोग हैं किसान वर्ग के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, जमीनी बात जमीनी स्तर पर जाकर बातें करते हैं और हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं। और खासकर हमारा ये कार्यक्रम चर्चा में केवा जिसमें हम आपको बताते हैं कि विधानसभा क्षेत्र से कौन से प्रत्याशी चर्चा में है। बहरहाल इस सुल्तानगंज सुल्तानपुर पंचायत के बलुआ यादव टोला से इतना ही।